नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर, मुखर्जी नगर के आपके लिए सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। चाहे रात हो दिन हो कुछ भी हो बनाते रहते हैं और आज भी रात में ही बना रहे हैं। हम अभी सेंट्रल पार्क में खड़े हैं, इसका नाम हालांकि अब बदल गया है, अटल पार्क है। और यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही रात में UPPCS 2022 का रिजल्ट आया है। तो एक भैया हैं भूपेश पांडे जी और इनका 27 रैंक आया है UPPCS 2022 में। यहाँ पे सभी इनके मित्रगण हैं, अभी लड्डू बड्डू बटे हैं, खुशियों का माहौल है पार्क में। और दोस्तों कहा जाता है इस पार्क में से बहुत सारे IAS IPS निकले हैं। जीता जागता उदाहरण हमारे सामने अभी भूपेश भैया हैं, इनसे भी बात करेंगे और इनके मित्र भी हैं यहाँ पे। बहुत बहुत बधाई भैया पहले आप। थैंक यू भैया। कैसा फील हो रहा है अभी अभी थोड़ी देर पहले रिजल्ट आया? अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, दोस्तों के साथ पार्टी भी हो रही है। अच्छा, पार्टी हो चुकी है, कुछ लड्डू वगैरह भी और बाकी भी है कुछ। ये जानना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे ये जो सेंट्रल पार्क है यहाँ से बहुत सारे IAS IPS निकले हैं और जीता जागता, अब आप भी उदाहरण हैं UPPCS का, तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ छुपा है क्या इस पार्क में? इस पार्क में नहीं छुपा है, जो यहाँ पे बच्चे रह रहे हैं उनके अंदर है वो काबिलियत, उसकी वजह से वो चाय वाय पीने पार्क में आते हैं, तो आपस में ग्रुप डिस्कशन भी होता है, पेपर भी पढ़ते हैं, पढ़ाई भी होती है। कहाँ से हैं भैया आप? मैं हूँ उत्तर प्रदेश बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से। इससे पहले भी आपने UPSC वगैरह का कोई अटैम्प्ट वगैरह दिया? UPSC का अटैम्प्ट दिया है, दो अटैम्प्ट उसमें हो नहीं पाया था। PCS का मेरा ये तीसरा था लगातार, उसमें तीसरी बार में DSP के पद पे चयन हुआ। वैकल्पिक विषय वगैरह क्या था आपका? मेरा वैकल्पिक विषय था पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, वही था, बदला नहीं था मैंने। कोचिंग वगैरह की कोई हेल्प लिए थे आप? हाँ, कोचिंग किए थे, ध्येय में किए थे, हम इलाहाबाद में थे तब, उसके बाद यहाँ पे ALS में किए थे लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे, माता पिता को, दोस्तों को? श्रेय सब जितने भी हमारे सहयोगी संबंधी हैं, दोस्त हैं, सबको उसका श्रेय मिलना चाहिए, सब लोगों के सार्थक प्रयासों से ही सफलता मिलती है। मुखर्जी नगर आप बाद में आए थे, पहले वहाँ से तैयारी? हाँ, मैंने ग्रेजुएशन जो पोस्ट ग्रेजुएशन था वो इलाहाबाद से किया, उसके बाद 2017 में मैं यहाँ चला आया। 17-18 मेरा PT नहीं, 18-19 में PT नहीं हुआ था, 20-21-22 में लगातार PT हुआ, तो 22 का लास्ट वाला अटेम्प्ट जो इसमें। पिताजी क्या करते हैं? टीचर हैं पिताजी मेरे। और पापा जी को फ़ोन कर दिया होगा आपने? हाँ, पापा जी को फ़ोन कर दिया, सबसे पहले उन्हीं लोगों को बताया गया। इस पार्क में ये सभी आपके मित्र हैं जो कहीं ना कहीं तैयारी के दौरान आपके साथ रहे और अभी भी साथ खड़े हैं? हाँ हाँ, सब दोस्त हैं मेरे, सब साथ में मेरे पार्टनर हैं, एक दोस्त मेरे हैं मुकेश जी भी पार्टनर। पार्टनर कौन से हैं, उनको बुलाइए थोड़ा सा। ये आप ही हैं जी, पढ़ाई करते थे भैया और आप भी उनके साथ रहते थे, तो कुछ बताइए। अरे, पढ़ाई करते थे हम लोग साथ ही में, इस बार 17 का मेंस दिए थे, फिर 65 में बिहार PCS का मेंस दिए पर हुआ नहीं था, इस बार फाइनल सेलेक्ट हो गए भाई साहब। और आपने शायद केक वेक भी पूरा लगाया है, लड्डू वड्डू भी लेकर जी। यहाँ पे और भी दोस्त हैं जैसे कि यहाँ पे, इधर आप आइए सामने। आपका नाम क्या है? हमारा नाम ओम है। अच्छा, इस पार्क की क्या कहानी? आपको मिठाई खिलाना चाहता हूँ। उन भैया को खिलाइए। नहीं, आपको खिलाओ, तो खा ही रहे हैं कब से, है ना, आप खाइए भाई। ये बताइए ओम भाई, यहाँ पे इस पार्क का कुछ अलग ही महत्व लोग बताते हैं कि कुछ ऐसा है, अभी आप लोग इसमें खड़े हैं भैया भी थे, तो क्या ऐसा है? यहाँ पे विद्युत संगोष्ठी का अपना एक इतिहास रहा है ना, यहाँ पे एक से एक विद्वान अपने, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उन्होंने मतलब सफलता UPSC या PCS में पाए हों ना पाए हों, लेकिन अपना अलग अलग क्षेत्र में इतिहास रचा है। तो यहाँ पे जो चाय पीने वाले व्यक्ति होते हैं सामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं से अपने आप में धरोहर होते हैं। तो यही है इतिहास का, यही है कि मतलब यहाँ पे जो भी व्यक्ति बैठता है अपना, उसका अपना ओहदा होता है, लेवल होता है, तो कहीं ना कहीं से यही है और क्या। बाकी यहाँ के जुझारूपन मिट्टी में है, जान नहीं रहे हैं, जहाँ से लोग आए हैं उसकी मिट्टी, उस मिट्टी में ताकत है, तो ये बात है। UP बिहार के पूर्वांचल के क्षेत्र के लड़के यहाँ पे आए हुए हैं। ये पता चला था आप शायद मणिकांत सर की मिमिक्री वगैरह भी करते हैं, तो इस मौके पर क्यों ना हो जाए, एक इस खास मौके पर क्यों ना हो जाए एक दो मिमिक्री। अच्छा, आंसर का आप करते हैं, मुझे पता चला था कहीं से, तो इस मौके पर क्यों ना हो जाए बधाई देने के लिए भाई को। बिल्कुल बिल्कुल। तो मणिकांत सर चूँकि हमारे गुरु हैं, बहुत सारे हजारों छात्रों के गुरु हैं जो आज कहीं कहीं सेवाएं दे रहे हैं, तो उनका मिमिक्री करना मतलब मेरी अवहेलना नहीं है, लेकिन मिमिक्री करके हम मतलब मनोरंजन करते हैं। उनका कहते हैं, अगर मान लीजिए कोई छात्र आया उनके वहाँ पे, तो कहते हैं, हेलो बच्चों, ये कह रहे बुद्ध बौद्धि जुगाली हुई क्या, झाँगो कुछ फेंके क्या। अगर मान लीजिए कोई लड़का लेट आता है उनकी क्लास में, तो वो कहते हैं कि ए हेलो, कहाँ, पार्क में थे क्या, महिला मित्र के साथ थे क्या। तो उनका ये डायलॉग है। और उसके बाद राजेश मिश्रा सर को आप जानते होंगे, पॉलिटी के माने जाने टीचर हैं। मणिकांत सर जैसे भैया अगर रिजल्ट आए बधाई देना चाहें तो फिर कैसे बोलेंगे? ओ, तुम्हारा DSP में हो गया क्या, कोई बात नहीं, हमको पता था कि तू बहुत बड़ा
बहुत ही अच्छा लड़का है तू, एक न एक दिन जरूर कुछ न कुछ बड़ा करेगा, उसी का परिणाम स्वरूप तू आज यहाँ पर है। लेकिन ये अंतिम नहीं है। लेकिन ये अंतिम नहीं है, अभी ये अभी तू ऊंचाइयों पर जाता रहेगा, हमें विश्वास है एक दिन तुम कुछ और बड़ा करेगा। बहुत बढ़िया। तो आज हम इस पार्क में थे, यहाँ पे खुशियों का पूरा माहौल है, पीछे भी कुछ दोस्त खड़े हुए हैं और वो भैया थे, हमने इन लोगों से बात की है। आज की वीडियो में इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो हमारे सहयोगी साथी मिस्टर कुछ झा ने रिकॉर्ड किया है। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।